हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार आपको बताते चल रहे हैं कि बहुत बड़ी जो बात है वो है कि जो शिक्षक बहाली, बिहार राज्य शिक्षक बहाली जो चल रही है और जिसका रिजल्ट, जब से रिजल्ट प्रकाशित हुआ है साथियों, तब से ये पूरे मामले की तहकीकात अगर की जाए 1-5 सब चीज़ों पर, तो ओवरऑल चीज़ जो ये है, अब पता चल चुका है कि पूरा घोटाला है, पूरी बहाली जो है वो घोटालों से भरी हुई है। एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे और आपको हम बताते चले कि जो चीजें हैं, कल हम बीपीएससी ऑफिस में गए थे, चेयरमैन से मुलाकात की बात थी, परंतु चेयरमैन सर से न मुलाकात करके सचिव महोदय से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप ही लोग रूमर फैला रहे हैं कि रिजल्ट में घोटाला हुआ है या रिजल्ट जो है उसमें गड़बड़ी हुई है। व्यापक तौर पर जो गड़बड़ी हुई है उसकी पूरी जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं कि क्या 1,70,000 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई उसमें कितनी सीटें भरी हुई, और आप ही पहले से बता रहे हैं कि 1,20,000 के आसपास जो है वो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। 50,000 सीट कहाँ गया, ये कहाँ गया, इसलिए कि आप कट ऑफ तो किसी भी, चाहे वो जनरल से लेकर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग, किसी भी कैटेगरी का आप, किसी भी, चाहे 10+2 पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया, परंतु 1-5 पीआरटी वाला रिजल्ट, सब में कहीं ना कहीं ये बात है कि कट ऑफ किसी भी कैटेगरी का आप नहीं दिए। और रही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षक कितने हैं, नियोजित शिक्षक सबको पता है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 40-42 हजार है, तो जब 1,20,000 में 40-42 हजार नियोजित शिक्षक ही हैं तो कितने बचे, आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बचे। और उसके बाद जो अदर स्टेट के हैं, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो या अन्य किसी भी राज्य के लोग हैं, तो उनकी भी संख्या 15-20 हजार के आसपास है। तो जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि हमने 1,20,000 पदों पर हमने रिजल्ट निकाल दिया और लोगों को नौकरी देने जा रहा है, वो भी कब, 2 नवंबर के दिन फिक्स हो गया है, गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो ये फिर इस तरह की चीजें क्यों हुई, चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को जवाब देना होगा। और जब हम लोग सवाल कर रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट, अपने ट्विटर हैंडल से एक बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, तो जो सीटें जो है वो उनका रिजल्ट जो है अगर वो फेल है तो उनको डीवी से रोका जाएगा, या बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 1-5 में रिजल्ट आ गया है परंतु वो बीएड किए हुए हैं, अगर सीटेट पास नहीं है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ओवरऑल चीज जो अगर जानकारी अगर आप पाएंगे तो इतना जरूर है कि जो चीजें आपके माध्यम से या किसी और के माध्यम से चीजें हैं, तो हम लोग तो बहुत लोगों से बात किए, नियोजित शिक्षक वो है जिनका जिला का आवंटन हुआ, कोई कहीं उत्तर बिहार में उनको दक्षिण बिहार दे दिया गया, एक ही फायदा उनको है ना कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार वेतन जो है ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में पूरे 1,70,000 पदों पर रिजल्ट क्यों नहीं निकाला गया, क्या आप किसी भी श्रेणी के हैं जो कटअप आप बताएं, हम लोग की डिमांड थी कि प्रत्येक श्रेणी का कटअप बताया जाए, क्योंकि कटअप से क्या होता है कि जो उसके आसपास होते हैं, और सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात हम कर रहे थे कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको भी जारी करके रखते हैं, परंतु जो रिजल्ट जिस प्रकार की चीजें बताए, आप पहले पीजीटी का रिजल्ट निकाल, 10+2 का, उसके बाद एक दिन के बाद ही जो है 1-5 का रिजल्ट निकाल दिया प्राइमरी प्री का, तो आप इस चीजों का आप क्यों पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी सबका आप घोल मिल कर रहे हैं। और लगातार ये बात है कि एक लोगों का रिजल्ट कई जगहों पर है, कुछ बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनका पीजीटी में रिजल्ट है और उसी का टीआरएम में रिजल्ट है, तो फिर इस तरह का क्यों, क्योंकि 10+2 का जिसका रिजल्ट है 1-5 में कैसे ज्वाइन करेगा, आपने अपने नियुक्ति, आपने अपने आवेदन के माध्यम से या पीसी के माध्यम से या जो नोटिफिकेशन में जिक्र है कि हम एक परीक्षार्थी को एक ही जगह रिजल्ट देंगे, तो सारी चीजों पर आपने क्यों नहीं बताया उसको। तो ओवरऑल जो चीज यही है कि क्या राज्य सरकार इस तरह की चीजें, आप बहुत सारे लोग, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कि अन्य पार्टी के प्रवक्ता आरजेडी के हो, चाहे जेडीयू के कई नेताओं को हम देख रहे हैं जो अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की पूरे पीठ थपथपा रहे हैं कि राज्य सरकार 1,20,000, 1,20,000 नहीं है सीट, अगर आप बात करेंगे तो सीधे सीधे कहा जाए तो ये 70-75 हजार के पास जो है आकर आके रुक जाएगा। तो सारे प्रेस के माध्यम से हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सारे शिक्षक अभ्यर्थी के पास एक नाराजगी है, किसी को जिला आवंटन को लेकर प्रॉब्लम है, किसी का रिजल्ट है ही नहीं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बता रहे हैं कि 43 पर किसी का हो गया और मेरा 45 भी है तो मेरा नहीं हुआ, उसी कैटेगरी का है लड़का, चाहे वो लड़की है, चाहे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका इस तरह का चीज हुआ है साथियों।
तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग जो, और ये जो टाल मटोल का खेल चल रहा है, कभी शिक्षा विभाग जाइए तो वो बोलता है कि बीपीएससी का काम है, बीपीएससी कहती है कि हम तो रिजल्ट निकाल दिए, जो नियुक्ति पत्र बांटे और डीवी का जो काम है या अदर जो जिला मंडल का काम है ये सब वो देखेंगे। तो सारे चीजों पर मुझे लगता है कि कहीं आपाधापी का जो बात चल रही है और अंदर खाने जो घोटाले का एक जांच चल रहा है। आप एक बात ध्यान देते होंगे कि जब स्टेट की परीक्षाएं हुई और हम लोग डिमांड कर रहे थे कि स्टेट में बीएड बाय पेयरिंग वाले को भी मौका मिलना चाहिए, परंतु जिस दिन ये परीक्षाएं समाप्त हुई शिक्षक बहाली की लगभग 17-28 अगस्त को, और उसी के अगले ही दिन से ये अप्लाई शुरू हो गया, और अप्लाई जिस दिन खत्म हुआ उसके अगले ही 2 दिन के बाद ये परीक्षा शुरू हो गई। तो स्टेट की परीक्षा के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी के लिए आयोजित कराया गया हो या अंदर खाने से इस तरह की चीजें हैं। बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जो बीएड पास है और उनका रिजल्ट आ गया और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे। तो सारे सीटों पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सीटों को बचाने का जो षड्यंत्र है वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर कर रही है, और बीपीएससी पर एक बहुत बड़ा आरोप हम लगा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हो सकता है आपके मन में या सरकार का या शिक्षा विभाग का दबाव हो। तो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को सारे बिंदुओं पर एक बिंदुवार चर्चा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और करना चाहिए। और कब आप दे रहे हैं, आपने सीट बचाने के बाद क्यों किया? अगर कोई 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 3 नंबर से उसका मेरिट लिस्ट अगर कट ऑफ के आसपास है, जैसे कट ऑफ आप ही बता सकते हैं कि कट ऑफ कितना है हर एक कैटेगरी का, तो उस हिसाब से उसको आप बताइए और उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट आप दीजिए। परंतु सब चीजों पर अगर बात करते हैं तो इतना जरूर है कि आपाधापी के दौर में जो खेल चल रहा है इस पर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हम अपने बीट चैनल के माध्यम से और अपने सारे साथियों से आग्रह करते, जो शिक्षक अभ्यर्थी है उससे आग्रह करते हैं कि 2-3 दिन अभी दुर्गा पूजा का समय है, लेकिन इतना जरूर है